एक तरफ मध्य प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं विदिशा जिले के सिरोंज में कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से कॉलोनी काट दी है। तहसीलदार ने मामला संज्ञान में आने पर जांच के आदेश दिए हैं। विदिशा जिले के सिरोंज में भूमाफियाओं में प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ अब ऐसी जमीनों को निशाना बना रहे हैं जो कब्रिस्तान की हैं। करीब एक बीघा से ज्यादा जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमाफिया द्वारा अब इस पर कॉलोनी काटी जा रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत प्रशासन के अधिकारियों से भी की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। वहीं तहसीलदार का कहना है कि मामला न्यायालय में है और जाँच के बाद कार्यवाही की जाएगी। जमीन बताया कि जमीन में कब्रिस्तान बना रहे हैं। जांच करवाएंगे, बता रहे हैं कि न्यायालय में केस चल रहा है, उसके बाद भी बराबर कॉलोनी कट रही है। प्रशासन की मिली भगत का आरोप लगा रहा है कि प्रशासन मिली भगत के साथ काम चल रहा है, इसमें न्यायालय में केस चलने की बात तो जांच कर दी कैसी भूमि है। जनसुनवाई में हमारे पुश्तैनी कब्रिस्तान है जिसपे कॉलोनी बन रही है और कुछ कब्रों को क्षतिग्रस्त करके उस पर कॉलोनी का रोड भी निकाला है और इस का विवाद चल रहा है अभी और न्यायालय में इसका केस अभी लंबित है। न्यायालय में केस चल रहा है वर्ग एक में और उसके बावजूद भी है ना यहाँ पे डाइवर्जन दे दिया गया है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द डाइवर्जन को निरस्त किया जाए और वहाँ पे यथा स्थिति रखी जाए, किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं हो और वहाँ पे कोई भी वहाँ पे कॉलोनी वाला मौजूद ना रहे। जब कॉलोनी में एक ये अनिल यादव जी हैं जो सिरोंज निवासी हैं और एक आफ्ताब खान जो कोई भोपाल में रहते हैं, ये लोग कॉलोनी काट रहे हैं जिसमें नदीम खान सिरोंज के वो भी शामिल हैं। ये लोगों ने कब्रों को क्षतिग्रस्त करके रोड बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।